वाली, उसके बाद सब 2024 पे होगी। और चलो मम्मी ने ज्वाइन कर लिया, मम्मी। और जल्दी जल्दी आ जाइए, सारे के सारे आ जाइए। राजू भाई, अर्शमान ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू। अली भाई ने भी ज्वाइन किया है। मामू, मामू हैज ऑल्सो ज्वाइंट, तो दी हैज ऑल्सो ज्वाइंट, साहिबा दी। और देवांश भाई ऑल्सो ज्वाइंट, हाय देवांश भाई, क्या हाल है। अर्शमान, मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, आप बताओ। लेट मी ऐड अर्शमान, इफ अर्शमान इज कंफर्टेबल। भाई बताओ क्या करें, ऐड करूँ आपको। लेट मी इनवाइट अर्शमान। ओके ओके, आयुष्मान बाहर है, 2 मिनट के बाद आयुष्मान भी ज्वाइन करेगा, तो देखते हैं तब तक किस किस ने ज्वाइन किया है। सोमांश, क्या हाल है सोमांश। दादू, दादू हैज ऑल्सो ज्वाइंट, तो चलो कुछ गाते हैं यार। बताओ क्या गाओ, वो गा देता हूँ मैं जो आप बोलोगे। व्हाट शुड आई सिंग। हेलो 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 एवरीवन, जल्दी से बताइए मैं क्या गाऊं। हनी भाई, वीरे क्या हाल है। मायरा सिंह ऑल्सो ज्वाइन, हेलो मायरा। लड़का लड़का में हो लड़ाई। अच्छा हनी भाई की रिक्वेस्ट है तो गाना पड़ेगा। अरे जौने कलेजवा में, अरे जौने कलेजवा में कर लू पढ़ाई, जौने कलेजवा में कर लू पढ़ाई, लईका लईका में होवे लड़ाई, होवे लड़ाई। हनी भाई, लईका चिल्ला ले सब माल माल रे, रोड पर से ले लू कमाल जाल रे, गोरी तोरी चुनरिया लाल लाल रे, रोड पर से ले लू कमाल जाल रे। थोड़ी बात करते हैं, बताओ और क्या सुनोगे। क्या खा रहा हूं मैं, ये बिस्किट खा रहा हूँ, कुकीज। सारी दुनिया चला देंगे। ओ बदला अज रब्बा यो ही दिन आया है, ओ जीदा इंतजार सी, अज रब्बा यो ही दिन आया है, ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से
तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से, ओ रहना तेरे पास है मैंने, छुए तेरे हाथ है मैंने, पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने। ये सभी लोगों के लिए है, मेरी मॉम, मेरी पूरी फैमिली और मेरे फैजिन्स। तो ओ यूं ही रोने नहीं दूंगा, ओ यूं ही रोने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये साल के बारे में बात करते हैं अभी की 2023 कैसा था सबके लिए। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, मैं अपना बताता हूँ। तो मेरे लिए ये पूरा साल बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि ये मेरे विनर बनने के बाद का अगला साल था, सुपरस्टार सिंगर के बाद। और काफ़ी कुछ चेंज हुआ, काफ़ी कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो गया। मैं तो कोशिश किया मैं ना चेंज हूँ, और होपफुली नहीं हुआ हूँ। तो जो भी इस साल में हुआ सब मेरे लिए बहुत सही था, कि इतने सारे मैंने शोज करे, इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया। इसी साल में मैंने इंटरनेशनल शोज करे, फिर इसी साल में इतने सारे ओरिजिनल गाने करे, इसी साल में मेरा सबसे बड़ा गाना कभी शाम ढले आया, इसी साल में मैं बहुत कुछ मैंने सीखा है, इस साल में मैंने बहुत कुछ खाया है इस साल में। खाना देख के याद आया। और नए एक्सपीरियंसेस हुए बहुत सारे, काफ़ी चीज़ें लाइफ में फर्स्ट टाइम करी, काफ़ी चीज़ें बहुत सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम करी, और काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, काफ़ी अच्छी टीम मिली मुझे, काफ़ी अच्छे भाई लोग मिले। और पूरा साल मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और आई होप 2024 इससे भी अच्छा है, बहुत अच्छा, कि 2024 में हम सब जितने इस साल में कनेक्टेड थे और भी ज़्यादा कनेक्टेड हों, अपनी फैमिली और बड़ी हो फैजियंस की। और 2024 वैसे भी स्पेशल होगा, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं ऑलरेडी 2024 के लिए, तो सुनने में भी मज़ा आएगा और उनके विजुअल्स भी देखने में मज़ा आएगा। और जितना प्यार आपने कभी शाम ढले को दिया है ना, उससे ऑलवेज मुझे उससे ज़्यादा ही प्यार मेरे और प्रोजेक्ट्स में चाहिए। ओके, हर प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा प्यार। तो मेरा घर किधर है? मेरा घर जोधपुर में, मेरा घर जोधपुर में है, फैमिली इज लिविंग देयर, मैं और मामू इधर है मुंबई में। तो किसी ने ओ माही का भी रिक्वेस्ट किया था ना, तो ओ माही भी गा देते हैं यार। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिकर मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है माही, ओ माही, ओ माही, ओ माही, ओ माही, ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, ओ
कयामत तक हुआ तेरा। तो ये भी गा ही दिया है। कभी शाम ढले भी हो ही चुका है। जल्दी जल्दी और बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं लाइफ को। चलो आप लोग मुझसे सवाल पूछिए, मैं उनके जवाब देता हूँ, अदरवाइज इट कैन बी बोरिंग ना फॉर मैनी पीपल। तो कुछ ओके लेट्स सी। बांग्लादेश कब आओगे? जब लोग बुलाएंगे वहाँ के, जब वहाँ के शोज मुझे मिलेंगे तब आ जाऊँगा। ओके आपका निक नेम अरमान है ना? हाँ यस, मेरा निक नेम अरमान था क्योंकि पहले सब मुझे उसी नाम से बुलाते थे आसपास में, नेबरहुड में बचपन से। उसके बाद नाम मुझे कुछ खास सूट नहीं किया और मेरा ओरिजिनल नाम हमेशा से मोहम्मद फैज़ ही था, बट घर पे और सब लोग बुलाते थे अरमान अरमान अरमान, तो वो पड़ गया था नाम। बट उस वो नेम मुझे सूट नहीं किया और मैं जब शो में गया था मुझे बोला भी गया था कि अरमान नाम रखते हैं फैज़ नहीं रखते, और मैं स्टक था इसी चीज़ को लेके कि नहीं मुझे मोहम्मद फैज़ ही रखना है। फिर मोहम्मद फैज़ नाम से ही मैं गया और ये सब हुआ, तो वो भी मेरा निक नेम है बट मेरा रियल नेम मोहम्मद फैज़ ही है और मेरा अब निक नेम भी फैज़ ही है, तो वही बुला सकते हैं आप मुझे। नागपुर कब आओगे? सेम थिंग अगेन, जब शोज मिलेंगे वहां के। मेरे एग्जाम्स कब से हैं? फरवरी में है अनफॉर्चुनेटली। फैज़ गोवा कब आओगे? हाँ ये इसका आंसर है मेरे पास, बहुत जल्दी, मे बी जनवरी फरवरी समथिंग इसी में आ जाऊँगा, बट मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कब आ गया कब गया। गाइस कुकीज़ खा लो। एटलीस्ट हेयर फ्लिप ही कर दो। हाँ काफ़ी लोग कह रहे थे ये बालों में हेयर फ्लिप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, करके दिखाऊँ? पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा? पढ़ाई के बारे में मुझे सवाल अच्छे नहीं लगते, कोई नहीं पूछेगा। उड़ीसा कब आओगे? डोंट नो गाइस, मामू भी इधर है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर विश करके फिर जाएंगे। पहला प्यार गाइस, कुछ पूछो, कुछ कहो, कुछ बताओ। आपकी कोई क्रश है क्या? क्यों नहीं, सबकी होती है। मेरी क्रश है श्रद्धा कपूर। और भी है मेरी क्रश वैसे तो, पर इंडिया में श्रद्धा कपूर ओनली। आगरा का ताजमहल कब घूमने आओगे? तो इसका जवाब है कि मैं रिसेंटली मतलब 10-15 days हो गए मैं घूम के आया हूँ जस्ट ताजमहल आगरा का। आई हैव सम पिक्चर्स, शेयर करूँगा बहुत जल्दी। तो
अभी तो नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आके गया हूँ ना, जस्ट रिसेंटली आया हूँ यार। कैसे लोग हो आप, आपको तो पता होना चाहिए। फैज आपके कितने क्रश हैं? बहुत है, बहुत है। पंजाब में कब? भाई पंजाब तो कह रहे हैं अपना दूसरा, उधर तो आते जाएंगे। चंडीगढ़ में आता रहता हूँ मैं, आई डोंट नो कब आऊँगा, बट हाँ सून, वेरी सून, टीम के साथ ही आना जाना होगा। किसी ने बोला मेरा क्रश किम तायुंग है, तो उसकी लाइव में जाओ फिर, उसकी लाइव में जाओ फिर। इधर इधर सिर्फ वो रहेंगे जिनको मुझ पे क्रश है, ठीक है? मेरे मेरे प्यारे लोग रहेंगे इधर बस। सॉरी मजाक कर रहा था। फैज आपके घर आके मिल सकते हैं क्या? यार आई डोंट नो, वॉट नेम ऑफ बिस्किट, ब्रांडिंग नहीं करनी है हमें, ये देख के पहचान सकते हो तो पहचान लो, हम ब्रांड का नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ट्रेंड लोग हैं। तुषार भाई क्या हाल है? लोगों को टाइगर चाहिए लाइव में? टाइगर इधर नहीं है गाइस, टाइगर जोधपुर में है, टाइगर अलग से लाइव करेगा आप लोगों के लिए। टाइगर मेरे बर्थडे पे आएगा मेरे साथ। तुषार भाई पूछ रहे हैं कैसा बन रहा है न्यू ईयर। ऐसा अच्छा बन रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फैजियंस के साथ बहुत अच्छा न्यू ईयर बन रहा है मेरा। गाइस तुषार भाई हैज जॉइंड, व्हाट्स अप भाई। नहीं आ रहा है, चलो ब्रो एंजॉय करो, मैं निकल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर इन हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस सभी लोगों को, जितने लोग ज्वाइन है सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, सबके लिए बेस्ट विशेस है, सब सक्सेसफुल हो लाइफ में। बाय बाय बाय। बाय। तो अभी एक एक करके देखते हैं कौन कौन है अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं। ओके तो बोलिए गाइस, कुछ तो बोलिए, मैं बोली जा रहा हूँ, आप लोग भी बोलो कुछ। हैप्पी न्यू ईयर फैज, हैप्पी न्यू ईयर। ओके तो अली भाई की एक फरमाइश आई थी, अली भाई की फरमाइश नहीं पूरी करी तो फिर घर भी जाना है ना।
भाई अपने चलो पूरी करते हैं। ट्रांसपोज करूंगा मैं, इंस्टेंटली कॉर्ड्स नहीं निकालता मैं। गुलों में रंग भरे, नहीं यार क्या था, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। अभी मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ ये गजल, घर पे भी सब लोग बहुत सुन रहे हैं। और कुछ, कोई फरमाइश, कोई वारदात, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो थॉट लाओ, कुछ लाइफ लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, लाइफ को भी इंटरेस्टिंग बनाओ। आयशा दीन अली भाई कह रहे हैं वाह, थैंक यू। अर्शमान तो है लाइफ में, दादू ने कह दिया अर्शमान को लेके आओ, ठीक है देखते हैं यार। एंड लेट्स सी, तो गाइस बिलीव करते हैं कि न्यू ईयर पे हम अगले साल से ऐसे नहीं रहेंगे, वैसे रहेंगे, और आपकी रिंग्स आपको किसने दी? ये मुझे मेरी मम्मी ने दिलवाई है, और मुझे भी पसंद है रिंग्स पहनना, अच्छी लगती है। तो यही था आपका जवाब। अर्शमान हैज ज्वाइंट, तो ट्राई करते हैं। लेट्स चले दिया गुलशन का कारोबार चले, जो जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे। हाय, ओके तो तो क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार। इधर फिल्टर बड़े यार गंदे आ रहे हैं लगा लो लगा लो, बढ़िया से यार। लगा लो। ब्रो ये रहना जरूरी चीज है, और आर्टिस्ट फिल्टर है। और सुनाओ यार, कैसा अभी तक न्यू ईयर आप लोगों का तो हो गया? मेरा ख्याल है नहीं हुआ अभी, तो टाइम है बहुत, अभी 1.5 घंटा पड़ा है। 1.5 घंटा, इंडिया हमसे 2 घंटा आगे नहीं है, तो मतलब 12 नहीं बज गए वहां पे। यहाँ 10:40 हो रहे हैं। ओ हाँ, आधा घंटा आ गया, सॉरी यार, आइडिया ही नहीं था। और फैज क्या चल रहा है जिंदगी में, आप बताओ। बहुत बढ़िया यार, अभी आ गए तो अभी साथ में गाते हैं कुछ एक एक करके। जरूर यार, आप बताओ को क्या गाना है। वो पहले तो मुझे बहुत सुनना है, जो तू ना मिला मुझे। अरे मैंने यार कभी शाम ढले जरूर सुनना है, हाँ मतलब वो बहुत डेफिनेटली, पसंद है। मैं तो गाऊंगा ही, आप गा दो पहले। अल पोस्ट का कवर जरूर यार, उसका मैं जो है ना
नेक्स्ट कवर उसका है मेरा डेफिनेटली. एक मिनट स्केल देख लें पहले. कल थे यहीं, ओके. कल थे यहीं, क्यों अब नहीं? तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी? ओके जुदा ये तो बोलो, प्यार था बद नहीं जो बीत गया दो पल में. तू बन के याद रहे, फरियाद रहेगा दिल में. क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हाँ? सोचा तुम्हें जो रात दिन तू ना मिला मुझे दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा. थैंक यू. वाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आप, बहुत अच्छा टोन है आपका. अब आप मुझे यार बस एक फाइनल कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना. मैं ऐसे ही गाता हूँ ठीक है, विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट. जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ के जाएंगे और पानी में मिला के जहर पिलाएंगे, ओ जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ के जाएंगे और पानी में मिला के तुझे जहर पिलाएंगे, वही हाथ काटेंगे तेरे जो हाथ में लाएंगे, जिन्हें जान जान कहते हो वही जान ले जाएंगे. कौन अपना है तेरा कौन पराया, ओ ये ना पता चले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर इस तरह से कि फिर लौट के न जाना, ओ कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना. थैंक यू यार, बहुत आला तबाही. अच्छा घर पे सब बहुत कैसे? अल्लाह शुक्र यार. आप बताओ, मैंने सुना आप मुंबई शिफ्ट हो गए, ऐसा ही है? मुझे नहीं तंग कर. 4-5 months हो गए मैं इधर ही हूँ और फैमिली उधर है जोधपुर में, राजस्थान. फैमिली दूर तो अभी मैनेज कर रहे हैं. अच्छा नाइस. अच्छा तो मुझे तो लगा अभी मालदीव्स गए हुए थे क्योंकि हाँ, अभी मैंने पोस्ट. मैं 3 दिन पहले वापस आया, फैमिली के साथ गया था, बहने और. अच्छा नाइस यार, 3 दिन पहले और फॉर द कार ब्रो. माशाल्लाह यार, यू आर अचीविंग सो मच इन दिस एज. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच भाई. ढेर सारा प्यार आप यार. और कुछ गा दो यार, वो आता है पार से ना दे यार, मुझे उसका ये कॉर्ड्स वगैरह नहीं आते हैं. स्केल देखता हूँ. पहले भी मैं तुमसे मिला, पहली दफा ये मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा. पागल पागल है थोड़े बादल बादल है दोनों, घर से मिलके आ भीगे जरा. पहले भी मैं तुमसे मिला, पहली दफा
मेरे को आता नहीं था ये, मैंने जैसे रैंडमली गाया। नहीं यार बहुत, मैं कहता हूँ यार स्केल बहुत प्यारा है आप लोग का यार, बहुत आला। यार मजा आ रहा है इतने, अभी पहली बार ही शायद मैं और अश्मान ऐसे लाइव आ रहे हैं मुझे शायद, क्या तो यार 100%। हो रहे पता नहीं क्यों, बस मुझे स्टार्टेड फॉलोइंग यू का ही सीन आ रहा है कुछ। हाँ क्योंकि वही हो रहा है ना, वही हो रहा है, फॉलोवर्स एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। हाँ ये बात है, बस मुझे कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं बस। बाकी यार थैंक्स फैज मुझे जो है ना लाइफ लेने के लिए। और अच्छा लाइफ के बाद मेरे से ना यार जरा व्हाट्सएप पे आना, आई टॉक टू यू अबाउट समथिंग एल्स। बाकी गुड ओके सीन है। ओके ओके, थैंक यू यार, हैप्पी न्यू ईयर, यस ब्रो, अल्लाह हाफिज, लव यू। अल्लाह हाफिज। कैसा लगा गाइस आप सभी को? मुझे तो बहुत मजा आया, अर्शमान भाई जैसा है मेरे। ओके तो अभी अभी क्या करें बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत मजा आया मुझे दादू। थैंक यू दादू। यार गाइस ये लो मेरी तरफ से न्यू ईयर की पार्टी, खाओ ये कुरकुरे। बिस्किट अच्छा गाइस कुछ भी क्वेश्चन पूछो इस साल के बारे में, सब बताता हूँ। और आने वाले साल के बारे में मेरे क्या इरादे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या होप्स हैं। होप्स तो वैसे मैं नहीं रख रहा, लेकिन फिर भी बताता हूँ माइंड में क्या है। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया साल था। आई होप 2024 इससे भी बेस्ट आए, इससे भी अच्छा है। 2023 में मैं इस साल को और 2022 को तो वैसे भी नहीं भूल पाऊंगा। आई होप कि यही सेम चीज मैं 2024 के लिए कह पाऊँ, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट थे 2024 में ऑलरेडी। 2023 का तो जो भी कुछ हुआ है आ गया सब, आई एम ग्रेटफुल कि मैं 2023 में मुझे इतना कुछ मिला है, इतना कुछ पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को, थैंक यू कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहे पूरे साल। पूरे साल में आपने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे प्यार दिया, और ये जो भी चीजें अचीव की मैंने वो सब आपके प्यार की वजह से है। और एक और गुड न्यूज गाइस कि मैंने अभी जस्ट चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो यूट्यूब स्टूडियो में जो आता है ना एनालिसिस पूरा कि लास्ट 28 डेज में कितना व्यूज आए हैं चैनल पे, तो उधर मेरे था लास्ट 28 डेज में मेरे सॉन्ग के थ्रू ऑल ओवर, कि जिन्होंने गाना सुना भी है उनको रील के थ्रू देखा, रील पे सुना है, वो सब मिला के 1 बिलियन व्यूज आए हैं मेरे चैनल पे लास्ट 28 डेज में गाइस। 1 बिलियन, BILLION, 1 बिलियन। और ये सब पॉसिबल हो पाया आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार देते रहो यार, हर गाने को इससे भी ज्यादा प्यार दो, और बढ़ा दो प्यार, प्रमोशन बढ़ा दो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी अच्छे अच्छे गाने मिले आपको, खतरनाक खतरनाक गाने। और अभी बस 2-3 मिनट में लाइव एंड करेंगे हम, ताकि आप लोग अपना सके। और कुछ कहना है तो कह सकते हैं आप लोग भी। तो गाइस हाँ, एक पॉडकास्ट आई है चिल आवर पॉडकास्ट पे, प्लीज जाइए देखिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा मेरे बारे में, तो कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से। तो प्लीज वो पॉडकास्ट देखिए, और गाना तो आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना तो आप उसे सुन लो, और सुना भी है तो भी उसे देखते रहो, उसे रिपीट पे लगा कर रखो प्लीज। और स्पॉटिफाई वगैरह पे सब जगह उसे स्ट्रीम करो, सारे प्लेटफॉर्म्स पे।
और शेयर कीजिए जितने लोगों को नहीं पता है वो गाने के बारे में, कि गाना बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ज़्यादा प्यार चाहिए मुझे, और भी ज़्यादा हर गाने पे प्यार चाहिए मुझे। मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट एंड ब्लैक। आप मुझे सिंगर बनने में मदद कीजिए प्लीज। देखो गाइस, मैं सिंगर बनने में मदद नहीं कर सकता किसी की भी, क्योंकि मैं खुद हेल्पलेस हूँ। मैं अभी अभी ढंग से सिंगर नहीं हूँ। आई थिंक कि हम कभी भी ना इनफ नहीं कर पाएंगे, कि मुझे अगर लगेगा कि मैं गा रहा हूँ बहुत अच्छा गा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ प्राउडली नहीं बोल सकता कि मैं बहुत तगड़ा गा रहा हूँ, क्योंकि वो हमें हक नहीं है ना, वो ऑडियंस डिसाइड करने वाली होती है। तो हम बस गा सकते हैं, ना ही मुझे कोई सिंगर बनने में हेल्प कर सकता, ना ही मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस, जो जिसे जो हमें सुनने वाले, नॉट ऑडियंस। ऑडियंस तो बड़ी मात्रा में हो गया, आसपास के लोग भी अगर सुनने वाले हैं तो वही आपकी हेल्प कर सकते हैं सिंगर बनने के लिए, अदरवाइज जो जो भी फेट में लिखा होगा वही होगा। आपने कितने गाने गाए हैं इस साल? बहुत सारे, मोर देन 10 और 12 सॉन्ग्स दिस ईयर, और सारे अच्छे गाने। मतलब जरूरी नहीं कि 12 के 12 आए या 10 और जितने भी आए, बट उनमें से बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, मे बी इन 2024, मे बी इन 2025 समथिंग, पर गाने जरूर आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और प्यार रेडी रखो अपना, बस ऐसे ही हाथ में लेके कि गाना आते ही, समझ रहे हो? तो बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे हर गाने के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर, हर रील के ऊपर। मैं प्यार का लालची हूँ, आप लोगों को देना पड़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर हम लाइव को एंड कर रहे हैं, तो उससे पहले 2023 को बाय कह देते हैं, और इस साल का ये हमारा आखिरी लाइव सेशन होगा, इस साल का, नॉट आखिरी, इस साल का ओनली। तो चलो एक गाना गाते हैं, इस साल को भी बाय बोलता हूँ और आप लोगों को भी बाय बोलता हूँ। अरे हाँ, मामू को तो इंट्रोड्यूस नहीं किया। मामू 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 को पहले, मामू को बात कराता हूँ ऑडियंस से, उसके बाद सब चीजें। हेलो कैसे हो मामू, फैजेंस? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल फैजेंस। जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही आप प्यार बहुत ज्यादा दीजिए, और बहुत बड़े काम है अभी बाकी करने हैं आप लोगों को, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी फैजेंस को, और हैप्पी न्यू ईयर आप सबकी फैमिली और आप सबको, थैंक यू गाइस। इस आदमी को ही अभी आपको ना वो करना पड़ेगा वश में, क्योंकि यही आदमी शोज दे रहा है। नहीं, इसका प्यार है मेरे लिए और हमेशा प्यार करता रहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग दे रहे हो उससे डबल तो करता हूँ मैं और करता रहूँगा। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओ यार, ओ चलो ठीक है, गाने सेंड करते हैं। ओके ओके। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ दे लिया।
व्हाट कोइंसिडेंस, मैंने शो में यही हुडी पहनी थी जब ये गाना गाया था। ओ मिलते हैं अगले साल, और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहे, लव यू ऑल।